भर्ती परीक्षा देने पहुंचा युवक बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया। बुलंदशहर जनपद के सैदपुर निवासी रवि जन्मतिथि बदलकर धीरज नाम से परीक्षा देने पहुंचा था। बायोमेट्रिक जांच में फंसने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी जन्मतिथि 1992 की है और वो दरोगा की परीक्षा भी दे चुका है। उम्र ज्यादा होने पर उसने जन्मतिथि 2002 करवाकर हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की और पुलिस भर्ती परीक्षा देने आ गया, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने देर रात 11:30 बजे उसको गिरफ्तार कर लिया। एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है, कब की घटना है और क्या? जी हाँ, जो यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती चल रही है उसमें कल सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जेवी जैन जो कॉलेज है प्रद्युमन नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज है वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिसका नाम रवि कुमार है, उसका जो डेटा मिसमैच आ रहा है जो उसने बायोमेट्रिक कराए हैं। और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है, वो रहने वाला बुलंदशहर का है और उसने अपनी एज को कम कराने के लिए, कम 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो सेंटर इंचार्ज थे वहाँ पे CO मुनीश, उनकी तरफ से इसमें तहरीर दी गई है, इसमें सदर बाजार थाना क्षेत्र में अभ्यर्थी की सुसंगत धाराओं में उसके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उसको आज कोर्ट के सामने पेश करके उसको जेल भेज दिया जाएगा और बाकी जो भी उसके एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड और उसके जो नंबर था उसका जो डेटा था वो भर्ती बोर्ड को दे दिया गया है, जो जिसके आगे उसमें वो आगे कार्रवाई करेंगे। पता लगता कुछ और भी इनके साथ साथी हो इनके, जिस तरह जैसे मैंने आपको बताया ये जो इनपुट था वो भर्ती बोर्ड से ही आया था, जो डेटा मिसमैच हुआ है और वो भी इस वजह से हो पाया था क्योंकि किसी अभ्यर्थी ने एक बार 2021 में जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम थे वो उसने डिफरेंट आइडेंटिटी से दिया था, जब दोनों में आइडेंटिटी मिसमैच हुई तब ये बात निकल के आई। इस तरह के लोगों से क्या कुछ कहना चाहिए, इस तरह का कोशिश करते हैं और भी लोग इस तरह पाए जाते हैं? जी जैसे मैंने आपको बताया शासन की मंशा है कि जो ये एग्जाम हो अपना पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो और उसी के लिए सभी लोग हम प्रयासरत हैं और इस तरह के अगर कोई कैंडिडेट्स के साथ डिस्क्रिपेंसी आती है जो इंटेंशनली अपनी आइडेंटिटी कंसील करके आइडेंटिटी डिफरेंट बनाकर एग्जाम्स लिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।